दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी विषय पर पूछी जाने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। उस पर चर्चा करने से पूर्व ये वीडियो इस बार मेरा जो गैप था वो कुछ थोड़ा अधिक लंबा हुआ। इसके पीछे का कारण ये है कि मैं भी कुछ परीक्षा देने जा रहा हूँ, तो मेरी भी परीक्षा बिल्कुल सर पर आकर बैठी है, तो मैं भी अपने पढ़ाई में थोड़ा सा व्यस्त हो गया, इसलिए बैक टू बैक आप लोगों को मैं वीडियो नहीं दे पाया। इसमें गैप जो है वो थोड़ा अधिक आ गया। हालांकि समय समय पर मैं आपके सामने आपकी सेवा करने के लिए हाजिर होता ही रहूँगा। आप निश्चिंत होकर मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आज हम लोग हिंदी विषय पर पूछी जाने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आम प्रश्न पर चर्चा करेंगे। इस प्रश्न से मुठभेड़ जो है वो हिंदी के विद्यार्थियों का तो समय समय पर होता ही रहा होगा, और जो हिंदी के विद्यार्थी नहीं भी है तो उनके सामने भी ये प्रश्न तो आ ही जाता है। ये प्रश्न आपके जो प्रयोजन मूलक हिंदी जो है उसके अंतर्गत इस प्रश्न को, इस विषय को संकलित किया जाता है। और मैं हमारे प्रदेश की बात करूँ, अरुणाचल प्रदेश की बात करूँ, तो अरुणाचल प्रदेश के जो स्नातक है बीए के जो प्रथम सत्र है फर्स्ट सेमेस्टर, उसमें एक पेपर है हिंदी शिक्षण, तो उस पत्र के अंतर्गत इस विषय को संकलित किया गया है। हालांकि कहीं भी इसको संकलित किया गया हो, ये प्रश्न आपसे ज़रूर पूछी जाती है और बार बार पूछी जाती है, और इस प्रश्न को जानकर रखना बहुत ज़्यादा अनिवार्य भी है, आवश्यक भी है। मैं बात कर रहा हूँ बोलचाल की हिंदी और मानक हिंदी की। तो इसको तो आप कई बार सुने होंगे, बोलचाल की हिंदी और मानक हिंदी। अब परीक्षा में आपसे प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है, या तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो बोलचाल की हिंदी है और जो मानक हिंदी है इसके बीच में अंतर क्या है, अंतर को बताइए। अगर आपसे अंतर पूछ रहा है तो हो सकता है ये प्रश्न जो है वो दीर्घ हो, मतलब लॉन्ग क्वेश्चंस हो, 15 मार्क्स का हो सकता है, ठीक है, 12 मार्क्स का हो सकता है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है। और इसमें आपसे टिप्पणी भी पूछी जा सकती है, टिप्पणी मतलब आप समझ के चलिए शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगर टिप्पणी पूछी जाएगी तो ये आपको सेपरेटली भी पूछा जा सकता है, या तो आपको बोलचाल के हिंदी के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि बोलचाल की हिंदी से आप क्या समझते हैं, इसको परिभाषित कीजिए, या फिर वहीं आपसे मानक हिंदी के बारे में भी पूछा जा सकता है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के अंतर को भी आपको संक्षिप्त में पूछा जा सकता है। अगर आपको लॉन्ग में पूछा जा रहा है तो आज मैं आपको जो नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा, यूज़फुल होगा अकॉर्डिंग टू योर एग्ज़ामिनेशन। लेकिन अगर आपसे शॉर्ट में पूछा जाएगा, अगर अंतर ही पूछा जा रहा है और शॉर्ट में पूछा जा रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे। जो आज मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ उस नोट्स से मुख्य बातों को निकालिए। किस बातों को निकालिए, मुख्य बातों को, मेन बातों को, मेन डेफिनेशन को, मेन परिभाषा को निकालिए, बोलचाल की हिंदी का भी और मानक हिंदी का भी। उसके बाद उसको आप पॉइंट्स बनाकर भी लिख सकते हैं, या फिर विदाउट पॉइंट्स भी आप लिख सकते हैं। मुख्य बातों को आप वहाँ पर लिख दीजिए, बिल्कुल संक्षिप्त में। टिप्पणी में आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, 5 मार्क्स की होती है टिप्पणी, तो 5 मार्क्स के लिए आप गधे की तरह अगर 2 पेज रंग देंगे तो वो व्यर्थ है। 5 मार्क्स के लिए 1 पेज, मैक्सिमम 1.5 भी पर्याप्त हो जाता है। तो आपको थोड़ी सी बोलचाल की हिंदी पर बात करना है, फिर थोड़े से मानक हिंदी पर बात करना है, या फिर आप उसको टेबल बनाकर भी लिख सकते हैं। एक साइड पर आप बोलचाल की हिंदी पर चर्चा कीजिए, दूसरी साइड में मानक हिंदी पर। इस तरह से आप इस प्रश्न से डील कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी विलंब के आज के इस विषय को शुरू करते हैं। विषय को शुरू करने से पहले नमस्कार दोस्तों, दिस इज सागर विश्वकर्मा और आप सभी का मेरे वे टू लर्निंग एसबी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो अब हम सबसे पहले प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना में क्योंकि ये बोलचाल की हिंदी और मानक हिंदी की बात हो रही है, तो प्रस्तावना में हम हिंदी के विषय में लिखेंगे। प्रस्तावना में आप लिखिए कि जो भाषा है वो संस्कृत के भास धातु से बनी है, जिसका सामान्य अर्थ होता है कहना या बोलना। इस प्रकार से हम भाषा को परिभाषित कर सकते हैं कि मन के भावनाओं को
विचारों को, आपके मन में आए गए थॉट्स को, फीलिंग्स को, इमोशंस को आपस में अभिव्यक्त करना, एक्सचेंज करना, किसी के सामने एक्सप्रेस करना, किसी के सामने व्यक्त करना, अभिव्यक्त करना ही भाषा है। हिंदी की बात करें तो भारत में हिंदी का प्रारंभ जो है लगभग वो 700 संवत से मानी जाती है। हालांकि ये अलग बात है कि उससे पूर्व जो भाषाएं थी, ठीक है, कहीं ना कहीं वहीं से हिंदी का जन्म हुआ है, लेकिन हिंदी का जो प्रारंभ की बात करें तो लगभग 700 संवत से बताया जाता है जब से हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो प्रारंभ होता है। भारत देश में कुल 22 आधिकारिक भाषाएं हैं। कुल 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा जो है वो प्राप्त है। आधिकारिक भाषा मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज। अब ये जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, राष्ट्रभाषा और राजभाषा पर। मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं, तो उसकी चर्चा मैं यहां पर नहीं करूंगा। तो टोटल 22 राज्य भाषाएं हैं जिसमें बहुत सारी भाषाएं आती हैं। अब उन 22 भाषाओं में सबसे अधिक प्रयोग में लाई जाने वाली, संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग किया जाने वाला जो भाषा है, सबसे अधिक किसका प्रयोग होता है? हिंदी का। मतलब हिंदी का जो प्रयोग है वो भारत में व्यापक रूप से होता है, और सिर्फ भारत में ही नहीं अपितु लगभग 40-42 देशों में हिंदी का अध्ययन पाठन किया जाता है। ये बहुत हैरत की बात है, लेकिन किया जाता है। वहाँ के यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में हिंदी को पढ़ाया जाता है। यहाँ से प्रोफेसर लेक्चरर्स हायर किया जाता है और वहाँ पर पढ़ाया जाता है। तो हिंदी का क्रेज जो है वो लोगों में बढ़ता जा रहा है, और हिंदी जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज की ओर अग्रसर है। खैर बहरहाल, तो उन 22 भाषाओं में सबसे व्यापक रूप में, ठीक है, हिंदी का प्रयोग होता है। अब जिस तरह से भाषा के भी कई रूप होते हैं, उसी तरह हिंदी भाषा के भी कई सारे रूप हैं। हिंदी भाषा को भी कई रूपों में प्रयोग किया जाता है। जैसे राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी भी कुछ लोग कहते हैं, हालांकि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, जान लीजिएगा। डेफिनेशन को देखें तो ऑफकोर्स हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, लेकिन क्योंकि संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का मान्यता जो है वो प्राप्त नहीं है, भारत की संविधान की बात कर रहा हूँ, तो उस नज़रिए से देखें तो हिंदी हम लोगों की नेशनल लैंग्वेज नहीं है। तो नेशनल लैंग्वेज की बजाय 22 राज्य भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज को संविधान ने जारी किया, और उसके अंतर्गत हिंदी आती है। तो राष्ट्रभाषा के रूप में कुछ लोग इसका प्रयोग करते हैं, कुछ लोग मातृभाषा के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, संपर्क भाषा के रूप में इसका प्रयोग होता है, साहित्यिक भाषा के रूप में इसका प्रयोग होता है, राजभाषा के रूप में इसका प्रयोग होता है, बोलचाल की भाषा के रूप में इसका प्रयोग होता है, मानक भाषा के रूप में, सरकारी कामकाज के रूप में, ठीक है, कार्यालयों में इसका प्रयोग किया जाता है, जिसको हम लोग हिंदी का मानक रूप कह सकते हैं। तो ये थी इसके विविध रूप। अब आगे हम लोग बोलचाल की हिंदी और मानक हिंदी के अंतर को समझने का प्रयास करेंगे। तो आप प्रस्तावना में इतना लिख देंगे तो पर्याप्त है। अब एक एक करके हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग बोलचाल की भाषा को समझेंगे, बोलचाल की भाषा के रूप में हिंदी, उसको समझेंगे। तो पहला पॉइंट दे दीजिए, बोलचाल की भाषा, अब उसमें आप इन्वर्टेड कॉमा देकर हिंदी भी दे दीजिए। पहले हम लोग बोलचाल की भाषा की बात करेंगे, फिर हिंदी के संदर्भ में भी देखेंगे। अब देखिए, बोलचाल की भाषा को समझने से पूर्व बोली क्या है इसको समझना बहुत अति अनिवार्य, या फिर कहूँ कि आवश्यक है। बोली क्या है? बोली को अंग्रेजी में डायलेक्ट कहा जाता है। भाषा और बोली में क्या अंतर है, इस पर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं। इस पर भी मैं अधिक यहाँ पर बात नहीं करूँगा, लेकिन आप यहाँ बोली को समझिए कि बोली जो है वो भाषा के क्षेत्रीय रूप को कहा जाता है। बोली देश के किसी भी
हिस्से में बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा को कहा जाता है, वहाँ के लोगों की भाषा को कहा जाता है। और वहीं बोली का कोई साहित्य एवं लिपि नहीं होता। जी हाँ, अगर मैं बात करूँ कि क्या निशी बोली है या भाषा है, तो आप में से बहुत लोग कहेंगे कि निशी भाषा है। तो इसमें कोई दोराहे नहीं है कि निशी जो है उस पर रिसर्च हो रहा है और उस पर स्क्रिप्ट लिखे जा रहे हैं, शायद लिख भी लिया गया है और इसको पढ़ाया भी जा रहा है। लेकिन जब तक निशी की लिपि तैयार नहीं होती, ठीक है, निशी में रचनाएं, उसके लिपि में रचनाएं रचना शुरू नहीं किया जाता, तब तक वो बोली के रूप में मानी जाएगी। अभी मान लीजिए कि निशी जो है, मेरे बाहर के दोस्त लोग नहीं समझ रहे होंगे कि निशी अरुणाचल प्रदेश की एक जनजाति का नाम है, ठीक है। तो और निशी लोग जो भाषा का प्रयोग करते हैं उसको निशी कहा जाता है, निशी लैंग्वेज या फिर बोली कहा जाता है। तो निशी की अपनी कोई अगर स्क्रिप्ट नहीं है, जैसे मान लीजिए कि अगर निशी में वेलकम को पाया लिंचो कहा जाता है, अगर पाया लिंचो लिखना होगा तो वो क्या करेंगे कि या तो अंग्रेजी का स्क्रिप्ट को ले लेंगे या हिंदी का नागरी स्क्रिप्ट को ले लेंगे, ठीक है, और फिर वो पाया लिंचो लिखेंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या किया कि दूसरे भाषा से उसके स्क्रिप्ट को लिया। तो यही अंतर होता है कि भाषा की अपनी ओन स्क्रिप्ट होती है और जो बोली होती है उसकी अपनी ओन स्क्रिप्ट नहीं होती है और उसका अपना कोई साहित्य भी नहीं होता है, ठीक है। तो अन्य भाषा के लिपि के स्क्रिप्ट के माध्यम से हम लोग उसको साहित्य रूप देने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह अगर और भी बहुत सारी इस तरह की बोलियां हैं, क्षेत्रीय बोलियां हैं, जिनकी अपनी स्क्रिप्ट नहीं है, वो अपनी बातों को कहना चाहें तो या रोमन स्क्रिप्ट ले लेते हैं या फिर नागरी स्क्रिप्ट को वो लोग लेकर अपनी बातों को सामने रखते हैं। लेकिन जिस दिन उस बोली की स्क्रिप्ट बन जाए, ठीक है, और उसका व्यापक रूप में प्रयोग होने लगे, तो वो जो बोली है वो ऑटोमेटिकली भाषा का रूप धारण कर लेती है। बहरहाल यहाँ मैंने बोली को समझना इसलिए ज़रूरी कहा क्योंकि कहीं ना कहीं बोल चाल की भाषा का बोली से गहरा और घनिष्ठ संबंध है। अब ये जो बोलियाँ हैं उसमें स्क्रिप्ट बनने लग जाए, उसमें साहित्य रचनाएं शुरू करने लग जाए, तो वो आगे चलकर भाषा का रूप धारण कर लेती है। जैसे ब्रज की बात करें तो ब्रज तो बोली है, ब्रज, ठीक है, लेकिन हमारे साहित्यकारों ने ब्रज भाषा पर बहुत सारी साहित्य की रचनाएं की, तो वो अब बोली ना होकर भाषा का रूप धारण कर लेती हैं, ठीक है। तो इस तरह से वही बोलियाँ जो है आगे चलकर भाषा के रूप में विकसित हो जाती है। आगे आप बोलचाल की भाषा को डिफाइन करते हुए लिखिए कि भाषा के जिस रूप का प्रयोग जो है, भाषा के जिस रूप का प्रयोग जो है, वो जनजीवन में दैनिक कार्यकलापों या फिर गतिविधियों की पूर्ति के लिए किया जाता है, वही बोलचाल की भाषा कहलाई जाती है। दैनिक कार्यकलापों और गतिविधियों से मतलब जो एक्टिविटी है, जो दैनिक रोजमर्रा के जीवन में जो दैनिक कार्य हम करते हैं और जिस भाषा के माध्यम से करते हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं बोलचाल की भाषा है। जब कई व्यक्ति जो हैं वो बोलियों के माध्यम से पारस्परिक संबंध बनाते हैं, आपस में बातें करते हैं, अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, तो उनकी जो भाषा है वो बोलचाल की भाषा कही जाएगी। वहीं जब बहुत सारे जो बोलियां होती है, बहुत सारे अलग अलग उप जनजातियाँ हैं, उनकी बोलियां जो है कहीं ना कहीं सिमिलर होती हैं, एक सा होती हैं, तो वो आपस में अपनी ही बोली, ये जो आगे वाला है वो अपनी ही बोली में बात कर रहा है और अगला वाला अपनी ही बोली में बात कर रहा है, क्योंकि उनकी बोलियाँ जो है वो सिमिलर है, एक सी है। तो इसका उसको समझ में आ रहा होगा, उसका इसको समझ में आ रहा होगा। उदाहरण के लिए बात करूं कि हमारे जो अरुणाचल प्रदेश में जो गालो हैं,
या फिर आदि भी कह दें, आदि कह दें या गालो ना, ये जो दो उप जनजातियाँ हैं। और वहीं हम आसाम का, आसाम की एक जो जनजाति है मिसिंग, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनकी भाषाओं को देखा जाए तो ये मिलती जुलती है, ये आपस में मिलती जुलती है। अब ये जो मिसिंग ट्राइब्स के जो लोग हैं वो इधर गालो ट्राइब्स के लोग के साथ में वो लोग अपनी ही बात में, अपनी ही बोलियों में बात कर रहे होते हैं, वार्तालाप कर रहे होते हैं। मिसिंग वाले जो हैं वो अपनी भाषा में बोल रहे होते हैं और ये अपनी भाषा में बोल रहे होते हैं, अपनी बोलियों में बोल रहे होते हैं, और दोनों लगभग सेम सा होता है और दोनों ही समझ लेते हैं। तो देखिए, जब दो अलग अलग बोलियों को बोलने वाले लोग और लेकिन उनकी बोलियाँ मिलती जुलती हो, ठीक है, कहीं ना कहीं एक ही परिवार से हो, तो वो आपस में जब वार्तालाप करते हैं तो वो भी बोलचाल की भाषा कही जाती है। बोलचाल की भाषा को अनौपचारिक भाषा भी कही जा सकती है, जिसको मनुष्य जो है, ठीक है, वो अपने परिवार से, समाज से सीखते हैं। ठीक है, परिवार में हम बहुत मानक भाषा का प्रयोग नहीं करते। अभी मैं हिंदी के उस संदर्भ में बात नहीं कर रहा हूँ, पहले आप भाषा को ही समझ लीजिए। मान लीजिए मैं नेपाली हूँ तो मैं घर में बहुत ही फॉर्मल नेपाली में बात नहीं करता हूँ। ठीक है, जब मुझे घर में अपने भाई बहनों से बात करनी होगी, अपनी मम्मी पापा से भी बात करनी होगी, तो थोड़ा हम लोग इनफॉर्मल होकर बात करते हैं। ठीक है, तो ये बोलचाल की भाषा कही जाएगी। लेकिन वही अगर मैं किसी बड़े, किसी हमारे टीचर से मिलूं जो नेपाली है और मुझे उनसे नेपाली में बात करनी होगी, या फिर किसी बड़े नेता से मिलूं जो नेपाली है और मुझे उनसे नेपाली में बात करनी होगी, तो उस समय मैं प्रयास करूँगा कि मैं मानक नेपाली का प्रयोग करूँ। ठीक है, शुद्ध नेपाली भाषा का प्रयोग करूँ। तो यही बात है। तो समाज में भी हम, सोसाइटी में भी हम एनी टाइम फॉर्मल लैंग्वेज बोलकर थोड़ी ही घूम रहे होते हैं। ठीक है, फॉर्मल लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए औपचारिक भाषा का प्रयोग जो है वो कुछ कुछ सीमित जगहों में ही किया जाता है, जैसे ऑफिशियल वर्क में किया जाएगा, स्कूलों में किया जाएगा, ठीक है, पत्रचार में किया जाएगा, मीडिया करते हैं, ठीक है, समाचार पत्रों में किया जाता है। अब हम सब्जी मंडी पे गए और वहाँ पर जाकर हम शुद्ध हिंदी थोड़े ही बोलेंगे, वहाँ हम जो बोलचाल की हिंदी है, बोलचाल की हिंदी में ही हम उनसे वार्तालाप करेंगे। हाँ, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि तुम तड़ाक पर बात करेंगे, तुम या तेरा कहकर बात करेंगे, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत हम लोग मानक शब्दों का भी प्रयोग करेंगे, लेकिन जिस भाषा का हम लोग प्रयोग करेंगे वो बोलचाल की, आम बोलचाल की भाषा होगी। अब यहाँ आपको और एक चीज़ बता दूँ कि ये जो बोलचाल की भाषा होती है उसके लिए कोई व्याकरणिक बंधन नहीं होती है। जी हाँ, जब हम बोलचाल की भाषा में वार्तालाप कर रहे हैं, संचार कर रहे हैं, उस समय व्याकरण की कोई बंधन नहीं है। ऐसा नहीं है कि ग्रामेटिकली मिस्टेक्स नहीं होनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए कि मैं दो वाक्य आपसे कहता हूँ कि रीना तुम कल नहीं आएगा क्या, रीना तुम कल नहीं आएगा क्या। हमारे अरुणाचल प्रदेश में तो ऐसा ही बोला जाता है। हमारे यहाँ पर लड़की भी खाता है, लड़का भी खाता है, ठीक है, और लड़की भी जाता है, लड़का भी जाता है, मतलब लिंग का भेद नहीं है। लेकिन ये तब तक जब तक हम लोग बोलचाल की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इसको हम डीमेरिट्स नहीं कह सकते हैं। मेरे जो अन्य भाई बहन है जो अरुणाचल प्रदेश से बाहर के लोग हैं, कभी कभी कोई कमेंट्स भी कर देता है कि अरे आप लोग तो लिंग का भेद ही नहीं जानते हैं। तो देखिए, हम जानते हैं, हमें पता है, लड़की खाती है, लड़का खाता है, लड़की जाती है, लड़का जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसे ही प्रयोग की जाती है और इसको हम लोग डीमेरिट्स ना मानकर इसको हम लोग हमारे यहाँ की प्रवृत्ति विशेषता मान सकते हैं और हमें अपने बोलचाल की हिंदी पर गर्व है। हमारे हर प्रदेश के बोलचाल की जो भाषा होती है उसमें अपना अपने जातियों का प्रभाव जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे मैं नेपाली हूँ तो मैं जो ट्यून में बात करता हूँ, फिर चाहे मैं शुद्ध हिंदी ही क्यों ना बोलूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नेजल साउंड सुनने को मिलेगा, क्योंकि नेपाली जो होते हैं
उनमें कहीं ना कहीं वो जब बात करते हैं तो नेजल साउंड अधिक सुनाई पड़ता है, ठीक है। उसी तरह असमिया लोग अगर आसाम के लोग अगर हिंदी बोलेंगे तो उसमें भी अपने उनके उनका जो खुद की भाषा है असमिया भाषा है उसका प्रभाव आप देख सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं भी असम से ही हूँ, ठीक है। तो लेकिन क्योंकि मेरा पालन पोषण और मेरा जन्म जो है अरुणाचल में हुआ, मेरी शिक्षा दीक्षा यहीं हुई, तो मैं खुद शुद्ध असमिया नहीं बोल पाता हूँ, लेकिन मेरा जो परमानेंट जो एड्रेस है, ठीक है, वो वही है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि हिंदी जो है वो तरह तरह से बोली जाती है। अगर नेपाली लोग बोल रहे हैं तो नेपाली का लहजा उन पर आपको दिखाई पड़ेगा, असमिया बोल रहे हैं तो उनका दिखाई पड़ेगा। अगर कोई भोजपुरी भाई अगर बोल रहे हैं तो भोजपुरी का इफ़ेक्ट्स भी आपको वहाँ पर दिखाई पड़ेगा। उसी तरह कोई अगर राजस्थानी लोग बोल रहे हैं तो उसका इफ़ेक्ट्स आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये इस ये डिमेरिट्स नहीं है। उसी तरह अरुणाचल प्रदेश के लोग जो है वो जिस तरह से हिंदी का प्रयोग करते हैं, हमारे यहाँ पर लिंगों का भेद नहीं है। जैसे रीना तुम कल नहीं आएगा क्या, ना रीना तुम कल नहीं आएगा, अब ये बोलचाल की भाषा है, इसमें ग्रामेटिकली मिस्टेक्स हैं, ठीक है। जो बोल रहे हैं उनको भी पता है लेकिन फिर भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ ऐसा ही बोला जाता है, ठीक है। और इस पर फिर कमेंट मत कीजिएगा आप लोग, हाँ, क्योंकि ये गलत बात है, ठीक है। आप किसी के एरिया पर बोलने पर आप सवाल नहीं उठा सकते हैं। मेरे ही वीडियो पर भी बहुत सारा कभी कभी मेरे जो हैं हिंदी भाषी प्रदेश के जो भाई बहने हैं वो कभी कभी कमेंट्स करते हैं कि सर आपका जो उच्चारण है वो इतना शुद्ध नहीं है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है, देखिए हो सकता है कहीं कहीं इंसान है, मनुष्य से ही गलती होती है, कभी कभी किसी किसी शब्दों के उच्चारण में कोई कमी रह सकती है, या फिर जहाँ पर मेरा पालन पोषण हुआ उसके कारण वहाँ पर आपको प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो गलतियाँ हो सकती है लेकिन मैं जितना हिंदी बोल रहा हूँ, जितनी शुद्ध हिंदी का प्रयोग कर रहा हूँ आपको पढ़ाने के लिए, मुझे लगता है इतना पर्याप्त है। अगर मैं यूपी बिहार राजस्थान हरियाणा से होता, हिंदी भाषी प्रदेश से होता, तो जाहिर सी बात है मेरी हिंदी में मेरा हिंदी जो है वो और परिष्कृत होता, ठीक है। लेकिन खैर बहरहाल यहीं पे पढ़ाई करके भी मेरी हिंदी इतनी परिष्कृत है उस पर मुझे गर्व है। आगे सुनिए, तो यहाँ पर शुद्ध क्या होना चाहिए थी कि रीता तुम नहीं आओगी क्या, ना या फिर रीना कल नहीं आएगी, ऐसा होना चाहिए था, गी लगना चाहिए था, लेकिन चलेगा। ये बोलचाल की भाषा के लिए है लेकिन जब एग्ज़ाम में हम लोग लिखेंगे, अगर मैं कहता हूँ कि अरुणाचल में ऐसा ही चलता है, लेकिन अगर मैं एग्ज़ाम पर अगर ऐसा लिखता हूँ तो टीचर्स मार्क्स काटते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में हम जब परीक्षा देंगे तो मानक हिंदी का प्रयोग हमें करना होता है, और वहाँ पर अगर हम लोग लिंग का ख्याल नहीं रखेंगे तो मार्क्स काटा जाता है। बोलने भर के लिए ये चलता है और हम चलाते आ रहे हैं। और एक वाक्य आप देख सकते हैं जैसे कि हमको भी जूस खिलाओ, देखिए अब यहाँ पर भी व्याकरणिक रूप से देखा जाए तो मिस्टेक्स है। एक तो कि सिंगुलर के लिए ना, एक अकेले के लिए, एक वचन के लिए हम शब्द का यूज़ होता ही नहीं है, ठीक है। किस चीज़ का होता है, मैं का होता है, और यहाँ हमको के जगह में मुझे होना चाहिए। और दूसरा, जूस को खाया नहीं जाता है, जूस को पिया जाता है, लेकिन बोलचाल के लिए ये चलेगा, ये भाषा जो है वो काम चलाऊ है, ठीक है। हमको भी जूस खिलाओ तो ये चलेगा। जैसे हमारे बिहार के भाइयों को लीजिए, वहाँ पर मैं का प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है, वहाँ पर हम का प्रयोग किया जाता है, एक सिंगुलर के लिए भी हम का प्रयोग किया जाता है, और हम का प्रयोग करते हुए उनको अच्छा अनुभव होता है, ठीक है। तो ये अपनी अपनी क्षेत्रीय विशेषता है, ठीक है। तो और उसका इफ़ेक्ट हम भाषा पर देख सकते हैं। तो बोलने के लिए अभी जो मैंने वाक्य कहा वो भी काम चला हुए, उससे भी आपको बातें समझ में आनी चाहिए। बस जो कम्युनिकेशन हो रहा होगा, जो संचार हो रहा होगा, वो समझ में आ जाए, इतनी सी शर्त है। हम कई बार हिंदी भाषा का प्रयोग करते हुए मुहावरों का प्रयोग करते हैं, और मुहावरों का प्रयोग तो हम लिखते हुए भी, ठीक है, लेखनी में भी करते हैं, मानक रूप में भी करते हैं, लेकिन आप सभी को बता दूं कि ये जो मुहावरे होते हैं वो बोलचाल की होती है, बोलचाल की भाषा की होती है, ठीक है। जैसे
अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधे के हाथ बटेर लगना, तो ये क्या मानक हिंदी है? नहीं, ये बोलचाल की हिंदी है। उसी तरह सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो ये सब जो है वो बोलचाल की भाषा है। मुहावरे जो है वो बोलचाल की भाषा में होती हैं और इसका प्रयोग हम करते आ रहे हैं। वहीं बोलचाल की भाषा में हम बहुत सारे अनौपचारिक शब्दों का प्रयोग करते हैं। अनौपचारिक कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि अभद्र शब्द का प्रयोग करते हैं। मैं अभद्र नहीं कह रहा हूँ, अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल वर्ड्स का हम लोग यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको समझाने के लिए, जैसे अगर हम लोग को एक लेटर लिखना होगा, छुट्टी के लिए अवकाश आवेदन पत्र लिखना होगा, तो हम वहाँ पर जैसे मान लीजिए आपको रीज़न दे दिया है, रीज़न है कि आप किसी मित्र के विवाह पर जा रहे हैं, तो आप वहाँ लिखेंगे कि मेरे मित्र का विवाह है ना, विवाह का समारोह है और मैं वहाँ जा रही हूँ, इसलिए मुझे छुट्टी चाहिए, अवकाश चाहिए। ठीक है, तो आप मेरा दोस्त का शादी है, ऐसा आप नहीं लिखेंगे। जब आप लेटर लिखेंगे तो मेरा दोस्त का शादी है इसलिए मैं शादी पे जा रहा हूँ तो मुझे छुट्टी चाहिए, ऐसे अनौपचारिक वाक्य या फिर शब्दों का आप प्रयोग नहीं करेंगे मानक भाषा में, मानक हिंदी में, क्योंकि तो बोलचाल की हिंदी में करेंगे। मित्र को आप दोस्त कहेंगे, तो दोस्त जो है वो बोलचाल की हिंदी का शब्द है, तो इस तरह से हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। और वहीं बोलचाल की जो भाषा होती है उसमें अपनी जातीय या फिर अपनी क्षेत्रीय स्थानों का प्रभाव अधिक होता है। स्थानीय बोलियों का, स्थानीय भाषा का प्रयोग प्रभाव जो है वो अधिक होता है। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि अरुणाचल प्रदेश में अगर मान लीजिए यहाँ के जो ट्राइब्स हैं, हम उनसे हिंदी में बात कर रहे हैं और उनसे करते करते, क्योंकि हम भी यहीं के पैदाइश है तो हम में भी ये विशेषताएं आ गई हैं। ठीक है, तो हम बात करते करते जैसे हम ऐसा कह देंगे, जैसे फ़ोन में बात किया, कुछ दोस्त से बात कर रहे हैं और करते करते कह दिया होगा दे आजिन, हम बाद में बात करेगा। अब देखिए, ये जो आजिन शब्द है वो निशी जनजाति की भाषा के शब्द हैं और आजिन का मतलब होता है मित्र, लेकिन हम लोग करते हैं प्रयोग कि होगा दे आजिन, हम आपसे बाद में बात करेगा। ठीक है, देखिए करेगा, ठीक है, तो करेंगे भी हम लोग खासे यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऐसा है। अब ये जो आजिन शब्द है वो स्थानीय भाषा से लिया गया शब्द है, इसका प्रभाव आप यहाँ के बोलचाल की हिंदी में देख सकते हैं। और ये जो देई शब्द है उसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो होगा देई क्या होता है, देई, तो लेकिन हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। तो ये आम बोलचाल की हिंदी है, बोलचाल की हिंदी है, अरुणाचली हिंदी है। तो उसी तरह असम की बात करें तो अक्सर हम लोग हिंदी में भी तामुलपान शब्दों का यूज़ करते हैं। तामुलपान मिलेगा क्या, तामुलपान है क्या, तो ये तामुल क्या होता है? हिंदी में भी हम लोग तामुल ही बोलते हैं, लेकिन जबकि हिंदी में तो तामुल नहीं कहा जाता है, हिंदी में तो सुपारी कहा जाता है या फिर कसेली, पुग कहा जाता है, तामुल तो नहीं कहा जाता है, लेकिन तामुल का ही प्रचलन है यहाँ पर, तो वो स्थानीय भाषा, असमिया भाषा का प्रभाव है उस पर। तो इस तरह से बोलचाल की जो भाषा होती है उसमें जातीय या स्थानीय भाषा का, बोलियों का प्रभाव जो है वो हम देख सकते हैं। अब हिंदी की बात कर ले तो हमारे भारत में अनेक जाति, जनजाति, उप जनजातियाँ हैं। ठीक है, और सबकी भाषाएँ भिन्न भिन्न और उपभाषाएँ भी हैं। ठीक है, अब ये जो आपस में संपर्क करते हैं तो खास करके एक ही ऐसी भाषा है जिसमें अधिकतर लोग संपर्क करते हैं भारतवर्ष में, वो है हिंदी। तो एक अरुणाचल को रिप्रेजेंट करने वाला व्यक्ति, एक बिहार को रिप्रेजेंट करने वाला व्यक्ति, तो दोनों जब आपस में बात करेंगे तो अरुणाचल को रिप्रेजेंट करने वाले व्यक्ति में अरुणाचली हिंदी का प्रभाव आप देख पाएंगे। उसी तरह बिहार को रिप्रेजेंट करने वाले व्यक्ति के भाषा पर आप भोजपुरी का प्रभाव देख सकते हैं। काहे नहीं जाइएगा, इस तरह से वो बोलेंगे ना, काहे नहीं खाइएगा। ठीक है, तो इस तरह से कहते हैं। तो ये बोलचाल की भाषा है। चलिए, उम्मीद है आपको बोलचाल की भाषा समझ में आई होगी। लिखा मैंने इतना नहीं है, लिखा कम ही है। ठीक है, अगर आप विस्तार से भी लिखेंगे 3-4 पृष्ठों का ही होगा और संक्षिप्त में पूछा जाएगा तो आपको बता ही चुका हूँ मैं कैसे लिखना होगा। तो लेकिन मैंने विस्तार से आपको समझाने का प्रयास किया है। अब मानक हिंदी की बात करते हैं
मानक भाषा की बात करते हैं। मौखिक वो लिखित भाषा में अनेक रूपता के कारण कई बार शब्दों के अर्थों में, विन्यास में, उच्चारण में अंतर आने लगते हैं। कई बार एक ही शब्द के दो दो अर्थ निकल कर सामने आते हैं, दो दो रूप निकल कर सामने आते हैं। कई बार इसी कारण शब्दों के वर्तनी में भी भेद आ जाती है। जैसे देखिए कि यहाँ पर आपको मैं दे रहा हूँ, जैसे पंडित शब्द लिखा गया है तो पंडित दो तरीके से लिखा गया है, ठीक है, एक मानक है एक अमानक है। तो यही सब कारण है कि व्याकरणिक नियमों की आवश्यकता पड़ जाती है और व्याकरण का प्रयोग जो है वो भाषा में होने लगता है। और जब व्याकरण निष्ठ भाषा बोली जाती है तो उसी को मानक भाषा कही जाती है। जिस हिंदी में हम व्याकरणों को ध्यान में रखते हुए, ग्रामर को ध्यान में रखते हुए जिस हिंदी का हम प्रयोग करेंगे, जिस हिंदी में अगर हम लोग व्याकरण का ध्यान रखते हुए कोई हिंदी बोलेंगे तो वो मानक हिंदी है। जो मानक भाषा होती है या फिर मानक जो हिंदी होती है उसका प्रयोग जो है वह सरकारी कार्यकलापों में किया जाता है, ठीक है, सरकारी जो काम काज है उस पर किया जाएगा, पत्रचार पर किया जाएगा, विभिन्न पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में आप देख सकते हैं, टीवी, रेडियो, टेलीविजन्स पर आप देख सकते हैं, ठीक है। कहने का तात्पर्य कि जो मीडिया है, मीडिया की जो भाषा होती है वो मानक भाषा होती है। तो इस तरह से आप वहाँ पर जो भाषा का जो प्रयोग होता है वो मानक रूप है। वहीं अगर हम स्कूल पर अगर आप छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो वहाँ पर आप मानक हिंदी या फिर मानक अंग्रेजी का प्रयोग करेंगे, आप इनफॉर्मल वे में एप्लीकेशन नहीं लिखेंगे, ठीक है। भले ही आप इनफॉर्मल वे में बात करके बोल देंगे कि मैं नहीं आ पाऊँगा, लेकिन अगर आप एप्लीकेशन लिखेंगे तो क्योंकि वो ऑफिशियली है, ठीक है, तो आप उसको बिल्कुल औपचारिक रूप में करेंगे। तो भाषा का जो औपचारिक रूप है उसी वो औपचारिक रूप को ही मानक रूप माना जाता है। तो मानक भाषा जो है वो किसी भी भाषा का शुद्ध वो परिष्कृत रूप है जिसका प्रयोग सरकारी कामकाज, ठीक है, स्कूलों में, विद्यालयों में, पत्रचार में, पत्रिकाओं में, पुस्तकों में किया जाता है, तो वो मानक भाषा है। मानक भाषा को परिनिष्ठ भाषा या फिर साधु भाषा भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहा जाता है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज, ठीक है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज, जिसमें व्याकरण का, ग्रामर का पूरा ध्यान रखा जाता है। जैसे मैंने आपको आगे कुछ वाक्य समझाया, वो बोलचाल के लिए ठीक है, लेकिन अगर उसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है, ऑफिशियली अगर हम लोग किसी बड़े अफसर से अपने टीचर से बात करेंगे तो मानक रूप में करेंगे, और टीचर्स भी हमें उसका मानक रूप को सिखाएगा अगर हम गलत बोल रहे होंगे तो। जब हम अपने मित्रों से बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तो जो आपका अजीज मित्र है आप उससे अगर बात कर रहे हैं तो उससे आप आम बोलचाल की हिंदी में बात करेंगे। अरे दोस्त कैसे हो, अरे भिड़ू कैसे हो, ना कैसा है, ठीक है ना, इस तरह से हम लोग बात करेंगे। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम, प्रथम बार किसी से मिल रहे हैं और वो उम्र में भी आपसे बड़े हैं या रेस्पेक्टेबल पर्सन है या नहीं भी है, अगर आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं तो आप उससे डायरेक्टली इनफॉर्मल वे में बात नहीं करते हैं, बोलचाल की भाषा में नहीं, अभी तो उनसे आप मानक हिंदी में बात करेंगे। उसको आप कहिएगा, आप ना आप कहेंगे रेस्पेक्ट के साथ, आदर के साथ उससे बात करेंगे। हाँ, बाद में जाकर अगर वो आपका दोस्त बन जाता है तो हो सकता है आप उससे इनफॉर्मल वे में बात करें, लेकिन पहली बार जब किसी से मिलते हैं तो फॉर्मल वे में ही बात किया जाता है। फिर चाहे वो आपसे छोटे ही क्यों ना हो, हम तो अपने से छोटों से भी अगर हम पहली बार मिलते हैं तो आप कहकर ही बात करते हैं। तो भारत की अगर संदर्भ में बात करें तो भारत के जो हिंदी भाषी प्रदेश हैं, जैसे यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, तो ये जो हिंदी भाषी प्रदेश है, पंजाब, तो यहाँ पर हिंदी को ही अपनी मातृभाषा माना जाता है और यहाँ की जो राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो भी हिंदी है। अधिकतर जो ऑफिशियल वर्क है वो हिंदी पे होता है। तो वहाँ के जो लोग होते हैं
वो अधिक मानक हिंदी का प्रयोग करते हैं, लेकिन हाँ वो भी बोलचाल की हिंदी का प्रयोग करते हैं जब वो उनकी जो भाषाएं होती हैं उनमें अपना अपना जो निजी भाषा है, निजी उपभाषा है, उसका प्रभाव आता है, लेकिन वहाँ का जो ऑफिशियल काम है वो टोटली मानक हिंदी पे होता है। यहाँ पर लास्ट में आपको मानक हिंदी का थोड़ा सा डेफिनेशन, और आपको यहाँ पर देखिए कुछ मानक शब्द कुछ अमानक शब्द, फिर बता रहा हूँ अमानक शब्द का मतलब अभद्र शब्द नहीं होता है, इनफॉर्मल वर्ड्स, ठीक है। तो देखें जैसे आए, आए ये है, तो फिर दो इसका रूप है, तो ये इसका फॉर्मल रूप है आए जो, ठीक है, और य का ऊपर ए मात्रा लगने वाला इसका इनफॉर्मल रूप है। तो इस तरह से मानक भाषा और आपका बोलचाल की भाषा का अंतर कुछ इस प्रकार होगा। उम्मीद है इससे आपको इससे क्लियर हो गया होगा, और आपके परीक्षा में इस पे अंतर पूछे तो आप इस उत्तर को छाप कर आइएगा, इसको लिख कर आइएगा। छाप कर आइए मतलब आप रट्टू तोता बनकर इसको रट्टा मारने मत लग जाइएगा, चीज़ों को समझिए और अपने समझ के अनुसार लिखेंगे तो ज़्यादा स्कोरिंग रहेगा, ठीक है। मैं भले ही आपको नोट्स प्रोवाइड कराता हूँ, नोट्स देता हूँ, लेकिन मेरा नोट्स देने का प्रयोजन ये बिल्कुल नहीं है कि आप रट्टू तोता बनकर मेरे ही नोट्स को रट ले और रट कर जाकर लिख कर आए, छाप कर आए। आपको ये समझाने के लिए दिया गया है, आपको अपनी समझ से लिखनी है। ये आपको पढ़ते हुए आपको हेल्प जरूर करेगा, लेकिन इससे रेफरेंस लेकर, संदर्भ लेकर, मदद लेकर आप वो लिखिए जो आप खुद के समझ से लिख रहे हैं, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आज का ये विषय आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन इजाज़त देने से पहले मेरे चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। लाइक कमेंट में बहुत कंजूसी दिखाते हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। कुछ पूछना हो, सुझाव हो, अन्य टॉपिक पर डिमांड हो तो कमेंट कीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी सहायता हो जाए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करना मत भूलिए ताकि अगली बार मैं कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊं तो उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिले। और इसी के साथ मैं सागर विश्वकर्मा, और मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं बहुत जल्दी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।